हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नदर व्लॉग। सो भाई, अभी उन्होंने आ चुका है फिर से अपने पानीपत के गोदाम में। और भाई, आज खुलने वाली है अपनी ताइवान की घाट। बहुत सारे लोगों की इक्वायरी आई थी कि ताइवान वाली घाट दिखाओ, तो ताइवान वाली घाट दिखा देते हैं भाई आपको। ताइवान वाली घाट पड़ेगी भाई, ये होती है 80 किलो की, ठीक है। और इसमें आपको पीस दिखाऊंगा, अभी मैंने घाट खोली थी तो वो है मड़ाई वाले पीस। एक भी पीस आपका रिजेक्शन नहीं निकलेगा, ये लगा लो आप, रिजेक्शन में लगा लो भाई आप। मतलब अगर आप कोरिया वाली गाठ लेते हो तो आपका रिजेक्शन भी निकलता है, कट पीस भी निकलता है, लेकिन इसमें यूँ लगा लो, अगर आप 80 किलो की गाठ है ना तो 2-3 किलो ही हार्डली आपका निकलेगा रिजेक्शन, हार्डली, वरना आपका मलाई मिलेगा। तो भाई चलिए आपको दिखाते हैं ताइवान वाली गाठ। साथियों, आप बोलते हो कोरिया और ताइवान वाली का माल दिखाया जाए, तो आज आपको ताइवान वाली गाठ होती है ना, उसका माल दिखा रहे हैं आज आपको। ये देखो, कोई भी पीस आप उठाओगे इसमें से, अभी हमने भी फ्रेश ही गाठ खोल लिया है, हर एक पीस आपको बढ़िया मिलेगा। ये देखो भाई, ये लग रहा है। और ये देखो रिजेक्शन आपको यूँ लगा लो, 90 किलो की गाठ में से मुश्किल आपको 4-5 किलो की रिजेक्शन निकलेगी। ये देखो इधर छाट छाट के अलग लगाया हुआ माल, कोई भी पीस उठा लो आप, कोई भी। ये देखो हर एक पीस आपको मोती मिलेगा। ये देखो ये वाला पीस, आपको करना क्या है, प्रेस करवानी है, पन्नी पैक टैग वगैरह सब लग जाएगा आपके इस पे, और शोरूम में बिकेगा ये माल। ये देखो भाई, आपके सामने ही खुल रही है गाठ। ये देखो कोरिया वाला भी दिखाएंगे भाई। कोरिया वाले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है रिजेक्शन की, लेकिन ताइवान वाला नया माल आया अपने पास। ये देखो 200 गाठे आई थी, अभी ये रहेगी 40-50। बहुत सारे भाई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कोई कोच्ची से, कोई वेस्ट बंगाल, कोई केरला, तो भाई ये माल की प्रॉब्लम थी देखने की सैंपल। ये देखो आपके बार सैंपल भी दिखा दिए, फुल एक नंबर माल मिलेगा, माल की गारंटी रहेगी, एक भी कटा पटा पीस नहीं जाएगा, खुला ही मिल जाएगा, गाठ की गाठ मिल जाएगी। गाठ में भी आप देख लो कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है। देखो भाई ये देखो ये पीस आप, चलिए अब आपको अंदर दिखाते हैं खुला माल भी। और ये होती है भाई अपनी कोरिया वाली, ये देखो ये अपनी कोरिया वाली गाठ है भाई। इसमें आपको मैं आपको बता दूं भाई, 90 किलो की गाठ रहेगी, ठीक है। और इसमें रिजेक्शन भी निकलता आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रिजेक्शन निकलेगा, मतलब रिजेक्शन निकलता है थोड़ा बहुत, और कट पीस भी निकलते हैं, बाकी माल इसका ही बढ़िया रहता है भाई। कोरिया का माल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं उनको ही पता कैसा है। और ये है भाई अपना ताइवान वाला, इसका तो मैंने आपको दिखा दिया है, मोती है बिल्कुल, कोई भी पीस उठाओ मोती। और ये देखो पीछे भाई, ये कोरिया वाले माल का ही ढेर है। ये देखो इसमें भी आपको ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, इसमें क्या है, किसी में रुआ है, किसी में थोड़ा बहुत दाग लगा हुआ है, ये वो वाला पीस है, इस वजह से इनका ढेर बनाया हुआ है। ये देखो बाकी पीस में इसमें कोई कमी नहीं है, पीस ऐसे हैं बढ़िया वाले। ये देखो ये कोरिया का, ये देखो आप कहीं से भी ऊपर चढ़ के कहीं से भी छाट के लो, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें छाट के ले सकते हो, गाठ तो आपको पता है बंद की बंदी मिलेगी। ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये आ गई आपकी लॉन्ग में जर्सी। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं, और अंदर दिखाता हूँ अब आपको एक नंबर वाला माल, जो भाई बहुत सारे भाई बोलते हैं हमें सैंपल भेजो सैंपल भेजो सैंपल भेजो, तो भाई अब आपको सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। ये आ गया अपना सारे एक नंबर वाला गोदाम आ गया। ये देखो यहाँ पे, ये इधर टॉप आ गए, ये इधर शरग आ गई, ये जर्सी आ गई, ये अपने टॉप आ गए, कार्डिगन आ गए, ये इधर फिर ये देखो इधर हम माल की छटाई करते हैं। इधर जो भी आपको माल मिलेगा ना वो सारा एक नंबर का माल मिलेगा आपको, कहीं से कटा पटा नहीं, दागी नहीं, कुछ नहीं, फ्रेश माल प्रेस करवानी है आपको। अच्छा, और बहुत से भाइयों की क्वारी रहती है कि हम प्रेस वगैरह करवा के, भाई प्रेस का ऐसे रहता है वो 5-6 रुपये एक पीस के लेते हैं, आपको प्रेस कर देंगे, टैग लगा देंगे और पन्नी में पैक करके दे देंगे, वो 5-6 रुपये भी रहेगा उसका एक पीस का खर्चा, ठीक है।